हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन का PYQ सीरीज चला रहा हूँ, तो आज मैं क्लास 10th का 11th नंबर का क्वेश्चन डालूंगा। तो आप लोग इसको देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, और ये कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। क्यों फ़ायदेमंद करेंगे? क्योंकि PYQ जो है हर साल जो है कुछ ना कुछ रिपीट कर जाते हैं, बट थोड़ा सा जो जिसका जो डाटा होता है वो चेंज हो जाता है, बट जो उसका पैटर्न होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आपको 110% आपको मिल जाएंगे, मतलब गारंटी है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, बस यही हो सकता है कि डाटा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इसके एक रूट 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हालांकि इसके कितने दो रूट होंगे? दो रूट होंगे। एक रूट दिया हुआ है, तो जब ये जो भी रूट होते हैं अगर उसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2 KX - 6 इज इक्वल टू 0। पुटिंग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्स के लिए 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 × K × X की जगह 3 - 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना है, क्योंकि आपको मार्किंग जो स्कीम होती है वो मतलब स्टेप वाइज ही होती है। ठीक है, आपको स्टेप वाइज ही इसकी मार्किंग होगा, मतलब इस पे देखेंगे, इस पे देखेंगे, इसके बाद इस पे आपको एक नंबर का होगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन जो 2018 में पूछा हुआ है, दो नंबर पे भी ऐसे मार्क नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 3 × 9 हो जाएगा, माइनस 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6K हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6, ये देखिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसमें माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6K + 3 इज इक्वल टू 0 -6K इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए,